आज लोगों की हालात बेहद खराब है। आज लोग तड़फ रहे हैं, रोजगार के लिए तड़फ रहे हैं, बीमारी के लिए तड़फ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए तड़फ रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लूट और झूठ हो रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो आपसे मेरी निवेदन, आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में लोकतंत्र की ताकत के लिए, मजबूती के लिए काम करें। आज के मुद्दे क्या कर रहे हैं? आज के मुद्दे ये, महिला कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से था, इन्होंने मुझे आज याद किया, मैं आया हूँ। महंगाई कम करो, केजरीवाल शर्म करो, और मकान तोड़ना झुग्गी तोड़ना बंद करो, केजरीवाल शर्म करो। केजरीवाल ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज मकान तोड़े जा रहे हैं, हज़ारों झुग्गियाँ तोड़ रखी, आप देख करके आए। यहाँ से केजरीवाल की मेट्रो नहीं निकल रही, यहाँ से रेलवे स्टेशन नहीं बन रहा, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन रहा, यहाँ तो 18 गज के प्लाट में उसी घर में बुआ बहन सास ससुर देवर जेठ जिठानी मेहमान सब रहते हैं। यहाँ कोई सरकारी इतने बड़े कब्जे नहीं हैं जिससे सरकारी को योजना रुकी पड़ी। ये मेरा जलेबी चौक का पार्क है, एक पार्क है, यहाँ 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, बच्चों के खेलने के लिए, रामलीला के लिए, दशहरे के लिए, शादियों के लिए, सत्संग के लिए, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए, कोविड सेंटर बनाने के लिए, और जो उसके साथ साथ हमारी जो मुस्लिम लोगों की जो मुहर्रम निकलती है उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यहाँ पर आयोजन हो सके। यहाँ छोटी छोटी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार आसमान छूरी है, उसको लेकर के महिला कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, मैं यहाँ आया था। अभी कोई कार्यक्रम है जो बसों में घोटाला हुआ है, केजरीवाल की सरकार खुद मान रही है, बीजेपी खुद मान रही है, दोनों सरकारें खुद मान रही हैं, तो सरकार इसकी CBI जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में क्यों नहीं करा रही? क्या बात है, क्या चाहती है सरकार? मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ, दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ, मेरे अंदर भी वही आग है जो लोगों के दर्द में मुसीबत की है। मैं जनता से कह रहा हूँ, क्यों नहीं जनता सोच रही है इस लोकतंत्र को क्यों कुचला जा रहा है, और ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन सी पारदर्शी से काम कर रही है? केजरीवाल कौन सी ईमानदारी से काम कर रही है? अगर जो केजरीवाल इतने ईमानदार है तो मेरे से आकर के बहस करें ना। मैं ये कह रहा हूँ, बेरोजगारी पे क्या किया, एजुकेशन पे क्या किया, मेडिकल पे क्या किया, महंगाई पे क्या किया? सरसों के तेल की बोतल 250 रुपये की, रिफाइंड 3,000 रुपये का, बाजरा 65 रुपये किलो। ये लोगों के मारने के लिए, लोगों को कुचलने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, बेरोजगारी, सरकारी कर्मचारी का शोषण, सरकार क्या करने आई है? व्यापार करने आई है, लोगों की मदद करने आई है? शर्म आनी चाहिए, बेशर्म लोग है सत्ता में जो आए हैं। भारतीय जनता पार्टी रामराज के नाम से, भारतीय जनता पार्टी रामराज, राम मंदिर, अच्छे दिन, काला धन, गौहत्या, इनके नाम से सत्ता में आई, 15 लाख रुपए के नाम से। मैं GST कम की कना, विकास किया कना, एजुकेशन सुधारी कना, महंगाई कम करी कना, झुग्गियों को फ्लैट दिए कना, महिलाओं का आरक्षण दी कना, युवाओं का अधिकार दिए कना, पेंशन दी कना, तनख्वाह दी कना, राशन फ्री किया कना, ये मेरा सवाल। सर, दिल्ली नगर निगम में जो सरकार है उसके लिए आप क्या? लूट है, दोनों चोर हैं, दोनों नुरा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों सत्ता, दोनों सरकारें लूटने की नीयत से काम कर रही हैं, दोनों सरकारों की नीयत ठीक नहीं है, दोनों सरकारों की चुनाव पर नजर है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ, लोग अगर जो मानते हैं मुझे, और मुझे मानते हैं कि मैं 40 साल से सियासत में, मेरे पास लंबा छोड़ा अनुभव है, कांग्रेस पार्टी के पास इतिहास है, विकास है, नीतियाँ हैं, कांग्रेस देश के लोगों की, व्यापारियों की, दुकानदारों की, सरकारी कर्मचारी, मायनों की, दलितों की, महिलाओं की, बच्चों की, रेडी खोमचे वालों की हिफाजत ही है, कांग्रेस करती है। तो इसलिए सवाल कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ कि लोगों ने आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस को लाना चाहिए। दोनों सरकारें केवल चुनाव के लिए ड्रामा कर रही है, चुनाव आने के बाद ये रोड पे इनको लोगों को खड़ा भी नहीं होने देंगे, ये लोगों को घरों में घुस जाएंगे। इन्होंने अभी 2,000 रुपये का थूकने पर चालान लगा रखा है, ताली बजाने वाले, टोपी पहनने वाले लूट रहे हैं। मोदी की सरकार ताली बजवाती है, मोमबत्ती जलवाती, थाली बजवाती है, और केजरीवाल मंदिर में घंटी बजवाता है, और जाकर के काला मुँह करा के, जूते खा करके महात्मा गांधी की समाधि बैठ जाता है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है। सर, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है यूपी में, उसके लिए आप क्या कहना? जनसंख्या कम से कम 3 बच्चे की सरकार ने पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए सब साजिश रच रही है। चुनाव आ गया है, सरकार का जो काम है वो नहीं कर रही है,
सरकार उल्टे सीधे फैसले कर रही है, सरकार लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, सरकार कांग्रेस की ताकत को कुचलना चाहती है, सरकार जो छोटे छोटे दल हैं उनको आगे बढ़ावा देकर के, क्योंकि कांग्रेस से इनको भय है, राहुल गांधी की लीडरशिप से इनको खतरा है, प्रियंका गांधी की लीडरशिप के खतरा है, इसलिए मोदी छोटे छोटे पुलिरे पाल करके, छोटी छोटी बिल्लियों को पाल करके, दूध पिला करके वो जो देश को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा करती है, कांग्रेस इस पर सवाल करती है, कांग्रेस पूछना चाहती है कि कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक नहीं है, केजरीवाल से दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज तक देश के पीछे डंडा भी नहीं खाया, इनका कुत्ता भी नहीं मरा। केजरीवाल कहता कि हम आंदोलन से निकले लोग हैं, तो केजरीवाल से कह रहा हूँ, क्या चीन की लड़ाई लड़ी थी या पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी? इनसे ये मेरे सवाल है। इतनी बढ़ती महंगाई की वजह से हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप देखिए, गरीब आदमी की तनख्वाह तो बड़ी नहीं है, लोगों के रोजगार और छूट गए हैं, तो एक गृहिणी कहाँ से गुजारा करेगी? सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आज हर आदमी स्कूटर पर जाता ही जाता है, बाइक पर जाता ही है, कहाँ से वो गुजारा करेगा? ना उसकी इनकम बढ़ी है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम दिया है मोदी जी ने। कोरोना की वजह से सबके रोजगार और छीन लिए हैं, इसलिए हमारा तो हमने प्रदर्शन इसलिए किया है कि मोदी जी अपनी महंगाई वापस लीजिए, गरीबों के लिए सोचिए, आपकी आपका परिवार नहीं है, आपको नहीं पता कि गृहिणी को अपने बच्चों के लिए कितना करना पड़ता है, दूध महंगा कर दिया है, एक गृहिणी जिसकी तनख्वाह नहीं है, 8,000 रुपये तनख्वाह है, कहाँ से वो किराया देंगे, कहाँ से घर गुजारा करेंगे? इन सब का मतलब रखते हुए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि ये लोग अपनी महंगाई वापस लें, तो ये अच्छा होगा। एक बार नारे लगवा दो जरा, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, देखो बीजेपी का ये खेल, अगर नहीं खेल।